बायोलॉजी विद्यार्थी अदम्य आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपकी जो थ्योरी क्लास चलती है बायोलॉजी की, उसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आज हमारा जो फाइलम रहेगा वो आपका है इकाइनोडर्मेटा। आज यहाँ पर हम आपके लिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा लेकर आई हूँ और आज का ये जो पार्ट नंबर है वो आपका 11 है। पार्ट नंबर जो है 11 है। अभी तक आपने पिछले सभी पार्ट नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम ये सभी है। कहीं से भी आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही फाइलम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आते ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इस टाइम कर रहे हो, मेडिकल लाइन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी नाम हमने थंबनेल पर लिखे हुए सभी के लिए ये चैप्टर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पर हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी पॉइंट आपको बताते हुए हम चलेंगे। तो आज की वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा, साथ ही साथ जो भी पॉइंट हम इस बोर्ड पर लिखे सभी पॉइंट आपकी नोटबुक पर नोट डाउन होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते आज के इस टॉपिक को, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगातार हमारे साथ देखते रहना, अच्छे से समझते रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे चैनल पर अभी न्यू जुड़े हुए वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अब शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें हम आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ बायोलॉजी में आपके, और बाकी के सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन 5 बजे आपको लाइव मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है चल रही है हमारे चैनल पर, वो आपको सीरीज 5 बजे मिलेगी, ठीक है। तो लाइव क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हुए सभी लोग लाइव क्लास में जरूर आया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन टॉपिक पर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या होता है, इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं, इसका विशेष लक्षण क्या है, सभी पॉइंट हम आपको बताते हुए चलिए बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। लगातार यदि आप लोग बने रहोगे तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हम आपको पीछे से बताते आ रहे हैं कि जितने भी फाइलम है वो सभी ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा से लिए हुए शब्द है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इकाइनोस और प्लस डर्मा, डर्मेटा इसका क्या है, डर्मा, ठीक है, इकाइनोस प्लस डर्मा। अब बात करते हैं इकाइनोस का मतलब क्या होता है, तो इकाइनोस का मतलब आपका होता है क्या, इकाइनोस को कहते हैं क्या, स्पाइनस, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनस। और डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब आपका स्किन, क्या होता है, स्किन, यानी कि त्वचा। स्पाइनस का मतलब क्या होता है, तो स्पाइनस का मतलब होता है कांटे, क्या होता है, कांटे। और डर्मा यानी कि स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो शरीर है इनके शरीर के ऊपर कांटे पाए जाएंगे, अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे, इनके शरीर पर कांटे उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको शूल युक्त जीव भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शूल युक्त, शूल मीन्स होता है कांटा, शूल मीन्स क्या होता है, कांटा, तो इनको शूल युक्त जीव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी त्वचा पर क्या पाए जाएंगे, कांटे पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, कांटे युक्त, इनकी स्पाइनस युक्त इनका शरीर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है कांटे युक्त, इनकी जो त्वचा है वो कांटे युक्त होगी, शूल युक्त होती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग सही से, इकाइनोस प्लस डर्मेटा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, इकाइनोस प्लस डर्मा स्पाइनस, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी कांटे, जिनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, कांटेदार होती है। चलिए इतना हम साफ करती हूँ। अब बात करते हैं
कि इनका ये पाए कहाँ जाते हैं, ये जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जो भी हम यहाँ पर लिखे उसे अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। आपको क्या पूछा जाएगा आपसे, इनका आवास क्या है, तो ये इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो आपके सभी समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो आपके सभी समुद्री होते हैं। कैसे होते, समुद्री। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे वो सभी आपके समुद्री होते हैं, समुद्री में यानी समुद्र में रहने वाले जीव है। किसमें रहने वाले जीव है, समुद्र, यानी इनका आवास कहाँ है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या है इनका, तो ये सभी समुद्री जीव होते हैं। कैसे होते, सभी समुद्री जीव होते हैं, सभी समुद्री जीव। अब बात करते हैं कि इसके पीछे भी हमने आपको कई फाइलम, कुछ फाइलम बताए हुए हैं जो आपके केवल समुद्र में पाए जाते थे, कुछ फाइलम ऐसे बताए, उस फाइलम के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं आपके जो आपके समुद्र में ही पाए जाते थे, वो कौन कौन से दो। तो देखो पीछे एक फाइलम हमारा कर चुका है जिसका नाम है टीनोफोरा। क्या नाम है, टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के अंतर्गत जो भी जीव आएगा, टीनोफोरा के अंदर जो भी जीव आपका आता है वो सभी आपके समुद्री होते हैं। वो कैसे होते, समुद्री होते हैं। इसके बाद आपको दूसरा जो याद करना है वो इकाइनोडर्मेटा याद कर लेना है। क्या करना है, ये तीनों ही आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 100%। तो देखो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और तीसरा आपका आएगा हेमिकोर्डेटा जो आगे वाला है। देखो अब आपके ज्यादा फाइलम नहीं बचे, हेमिकोर्डेटा बचा, कॉर्डेटा बचा हुआ है, ओनली दो फाइलम बचे, हम बहुत ही किनारे पर आ चुके हैं। तो ये टॉपिक जो आपका है, ये चैप्टर जो आपका है एनिमल किंगडम, वो हम बहुत ही जल्द खत्म करने वाले, दो ही आपके फाइलम बचे, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है, बाकी शेष आपके इतने आज इकाइनोडर्मेटा तक आज फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो समुद्री कौन कौन से होते हैं, तो टीनोफोरा आपका, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। क्या होता है, हेमिकोर्डेटा, ये तीनों ही आपके कैसे होते हैं, तो समुद्री होते हैं। कैसे होते, ये समुद्र में इनका जो रहने का स्थान है वो आपका क्या होता है, समुद्री होता है, ठीक है। इतनी बात आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि इनमें जनन स्तर कैसा होता है, जर्म लेयर कैसी होती है, तो इनमें जो जर्म लेयर होती है वो आपकी कैसी होती है, त्रिकोर की होती है। कैसी होती है, त्रिकोर की, ये तो आपको पहले से पता है, कैसी होती है, त्रिकोर की होती है, त्रिकोर की है, इनकी ट्राइक्लोब्लास्टिक होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर वाली होती है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि इनमें समिति कैसी पाई जाती है, ये तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे स्टार लगा लेगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, इनमें सिमेट्री जो होती है वो आपकी किस प्रकार की पाई जाती है। तो देखो अभी तक आप पढ़ते आए हो, पीछे के फाइलम कई पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका एनिमिडा हुआ, मोलस्का हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, इनमें जो समिति पाई जाती थी वो द्विपार्श्व समिति थी। कैसी समिति थी, द्विपार्श्व। लेकिन ये कैसा है, ये पीछे की तरफ लौटा, सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये फाइलम ऐसा है जो पीछे की तरफ आ रहा है, कहा जा रहा है पीछे की तरफ। और पीछे आपने देखा होगा जो आपका सीलेंट डेटा था उसमें कैसी समिति थी, आर्यन समिति, जो सीलेंट डेटा आपका था, टीनोफोरा था, ये दोनों में, दोनों फाइलम में जो आपकी समिति पाई जाती थी वो रेडियल सेमेट्री पाई जाती थी। कैसी सेमेट्री पाई जाती थी, रेडियल। तो इसका मतलब जो ये काइनोडर्मेटा है इसमें भी आपकी रेडियल सेमेट्री पाई जाती है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये तो बहुत ही आगे जा चुका है, कई फाइलम के बाद आ रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसकी जो सेमेट्री होगी वो द्विपार्श्व होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सेमेट्री पाई जाएगी वो आपकी अर्घ्य समिति पाई जाएगी। किस प्रकार की समिति होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अर्घ्य समिति पाई जाएगी, कैसी समिति पाई जाएगी, अर्घ्य समिति। इनमें जो सेमेट्री पाई जाएगी वो आपकी कैसी होगी, अर्घ्य समिति होगी, यानी कि रेडियल सेमेट्री होगी। कैसी होगी, रेडियल सेमेट्री इनमें पाई जाएगी। और इसके पीछे किस किस में थी, तो ये आपकी सीलेंट डेटा जिसे निडेरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, निडेरिया,
और साथ ही साथ आपकी टीनो फोरा, टीनो फोरा। पीछे हम आपको ये फाइलम पढ़ा चुके, बहुत ही डिटेल से हमने इन फाइलम को कंप्लीट किया है, तो ये वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम है, ठीक है। तभी आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी और अच्छा लगेगा पढ़ने में आगे, यदि आप लोग पीछे के फाइलम पढ़ के आए हो तो। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर कर लेना कि जो इनमें समिति पाई जाती है वो आपकी जो वयस्क होते हैं उनमें कैसी समिति पाई जाती है, जितने भी वयस्क होते हैं उन सभी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन पूछा क्वेश्चन तो यही आएगा आपकी काइनोडर्मेटा में कैसी समिति पाई जाती है, वयस्क को ही देखा जाएगा, वयस्क को ही चेक किया जाएगा, तो उसमें तो रेडियल होती है। लेकिन किताबों में ये भी दिया हुआ है कि जो इनकी लार्वावस्था होती है, जो इनकी लार्वावस्था होती है उसमें द्विपार्श्व समिति होती है, कैसी होती है, द्विपार्श्व समिति। लेकिन आपको ये पॉइंट याद नहीं रखना, याद जो रखना है वो आपको यही रखना है कि इकाइनोडर्मेटा में समिति पाई जाती है वो आईए समिति पाई जाती है, इनकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है ये भी याद कर लेना है, तो और किसमें पाई जाती है, तो आपके निडेरिया और टीनो फोरा में भी पाई जाती है। साथ ही साथ आप समुद्री याद कर लेना की टीनो फोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोटेटा, ये सभी आपके समुद्रवासी होते हैं। इतने पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए, आइयो हम आशा करती हूँ कि आप लोगों की ये जो पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर, इनमें सीलोम कैसी होती है। तो सीलोम तो पहले से आपको पता है ये सीलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं, सीलोमेट, सीलोमेट्स होते हैं, इनकी प्रगुही होते हैं, कैसे होते हैं, प्रगुही होते हैं। अब बात करते हैं पांचवें नंबर पर, इनमें शरीर योजना कैसी होती है, बॉडी प्लान कैसा होता है, शरीर योजना, बॉडी प्लान इनका कैसा होता है, बॉडी प्लान, इनमें बॉडी प्लान कैसा होता है, तो बॉडी प्लान जो आपका वही है पीछे वाला, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से, यानी कि नली के भीतर नली, इनमें जो आहार होता है वो आपका फूड होता है, आहार जो होता है इनमें, जो पाचन तंत्र है वो इनमें पूर्ण पाया जाता है, और पाचन तंत्र जो इनका होता है वो कुंडलित होता है, कैसा होता है, कुंडलित होता है। अभी आगे हम आपको पॉइंट लिखा देंगे। अब आप करते हैं छठे नंबर पर, इनका शरीर संगठन तो रही गया, आप देखो इनका शरीर संगठन कैसा होता है, शरीर संगठन कैसा होता है, तो शरीर संगठन जो होता है वो अंग तंत्र प्रकार का ही होता है, इनकी इनमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। तो देखिएगा इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इनमें शरीर संगठन कैसा होता है, शरीर संगठन जो इनका होता है वो आपका कैसा होता है, अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। आपको पता चल चुका होगा सीलोम कैसी होती है, समिति कैसी, यानी सेमेट्री कैसी पाई जाती है, तो सेमेट्री जो इनमें पाई जाती है वो आर्य समिति पाई जाती है। पीछे जो भी पॉइंट हमने लिखा है तो सभी पॉइंट आपकी नोटबुक पे नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस फाइलम को कम्प्लीट कर ले, और आगे की जो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आगे की जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लगातार हमारे साथ बने रहना। तो चलिए अब बात करते आगे, तो अब बात करते कि इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन के लिए इनमें क्या पाया जाता है। तो देखो उत्सर्जन के लिए इनमें पीछे आपने देखा होगा अभी तक, जैसे आपका प्लेटीएमेंटीज है, एनी निराता, मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा था, इन सभी में उत्सर्जन के लिए कोई न कोई विशेष अंग पाया जाता था, कोई ना कोई कोई विशेष अंग, विशिष्ट अंग पाया जाता था। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट अंग नहीं है उत्सर्जन के लिए, जैसे कि आपका प्लेटी एल्मिंटीज था, तो प्लेटी एल्मिंटीज में आपकी फ्लेम कोशिकाएं, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती थी। लेकिन इसमें आपका ये ऐसा विचार है, फाइलम है जिसमें उत्सर्जन के लिए भी कुछ नहीं है, यानी कि कोई विशेष अंग उपस्थित नहीं है, कोई विशेष अंग उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग विशेष अंग नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। जबकि आपने देखा होगा अपने पीछे वाले जो हमारे थे उनमें कुछ न कुछ विशेष अंग पाया जाता था, किसके लिए, उत्सर्जन के लिए, किसी में मेलपी की नली का, किसी में मेटा नेफ्रेटिया, किसी में नेफ्रेटिया पाया जाता था, जैसे कि एनी लिडारा देख लिया जाए तो उसमें नेफ्रेटिया था, मेलपी की नली का देख लिया आर्थ्रोपोडा में थी। लेकिन
और जो आपका इकाइलोडर बेटा है इसमें उत्सर्जन के लिए कुछ नहीं पाया जाता है। ये उत्सर्जन जो इसका होता है वो शरीर सतह के द्वारा, यानी कि जो शरीर उनकी सतह होती है उसी के द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है, उसी के द्वारा उसमें उत्सर्जन होता है इनमें, तो उत्सर्जन के लिए इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कि इनमें परिसंचरण किसके द्वारा होता है, परिसंचरण कैसा होता है, सॉरी परिसंचरण तंत्र जो है इनका वो कैसा होता है, तो परिसंचरण तंत्र जो इनका होता है वो खुला परिसंचरण होता है। कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, बात करते हैं पाचन तंत्र कैसा होता है, पाचन तंत्र जो है वो कैसा होता है, तो पाचन तंत्र जो होता है इनमें वो पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण पाचन तंत्र होता है। इनकी जो आहार नाल होती है वो थोड़ा कुंडलित होती है। कैसी होती है? अभी हम आपको आगे फिगर दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे आगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे की जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन, एजेंट, एनर्जी सब कुछ मिलता है, ठीक है। लाइक से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ना लाइक का लगता, ना शेयर का, ना सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, सब फ्री में होते हैं। तो एक बार प्लीज इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। और शाम 5 बजे आपको हमने शुरुआत ही बोल दिया था कि शाम 5 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। शाम 5 बजे आपको क्या मिलेगी? लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो। तो लाइव क्लास आप लोग जरूर देंगे, और इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू होंगे, दूसरी बात यह है आपसे कि इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू होंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी एमसीक्यू आपको लाइव क्लास में ही देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर आज कर लेना, जिससे आपके लाइव क्लास में एक भी क्वेश्चन गलत न जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनमें पाचन तंत्र हो गया, अब इनमें विशेष लक्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशेष लक्षण पाया जाता है, जैसे कि आपका देखा होगा पॉलीमेरा में एक विशेष लक्षण था, जिसमें वो कैसा था, स्पंज गुहा में स्पंज पाए जाते थे, ठीक है। तो इसमें विशेष लक्षण क्या है, इसमें विशेष लक्षण क्या पाया जाता है? तो इनमें एक विशेष लक्षण है कि इनमें जल संवाहक तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पॉइंट आप लोग नोटबुक पे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल संवाहक तंत्र किस में पाया जाता है, किस फाइलम में जल संवाहक तंत्र पाया जाता है? तो वो आपका किसमें पाया जाता है? फाइलम इकाइलोडर्मेटा। तो जल संवाहक तंत्र जिसे कहा जाता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, इसका काम क्या होता है? तो देखो एक फिगर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा, वो आपका उसमें जल जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा वो उसमें जल संवाहक तंत्र का है। इसका है जल संवाहक तंत्र, इनकी जिसे क्या कहते हैं, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहा जाता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें आपको नाल पार दिख रहे होंगे, इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही होगी, ऐसा बना हुआ होगा, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से संरचना दिख रही होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से संरचना आपको दिख रही होगी ऐसे। तो ये इसके नालपाद होते हैं, क्या होते हैं? नालपाद, जिसे हम ट्यूब फीड कहते हैं। यानी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, देखो इस प्रकार से आपको कुछ संरचना दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं? तो ये इसके होते हैं नालपाद। क्या होते हैं? नालपाद जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्यूब फीड। क्या कहते हैं? ट्यूब फीड कहा जाता है। अब ये जो नालपाद होते हैं ये आपके जल संवाहक तंत्र से ही जुड़े होते हैं। इससे जुड़े होते हैं जल संवाहक तंत्र से जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, इनका काम क्या होता है? जो जल संवाहक तंत्र आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, लट्टू जैसी, किस प्रकार की? लट्टू जैसी कुछ संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से कुछ आपको संरचना लट्टू जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके क्या है? जल संवाहक तंत्र, सॉरी जल संवाहक ट्यूब फीड है। क्या है इसके? ट्यूब फीड है, इनकी नालपाद है। और ये किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके जल संवाहक तंत्र से जुड़े होते हैं, जो आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो जल संवाहक तंत्र से क्या जुड़ा होता है? नालपाद, नालपाद यानी कि ट्यूब फीड।
ट्यूब फीड, ट्यूब फीड जुड़े होते हैं और इनका काम क्या होता है, तो जल संवाहक तंत्र का जो काम होता है वो आपका भोजन पकड़ने में, भोजन पकड़ने में, साथ ही साथ इसका गमन करने में, किसको गमन करने में, थोड़ा स्याही डालो उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, तो देखो इनका काम जो होता है वो नर जो आपका जल संवाहक तंत्र इसमें जो पाया जाता है, एक विशेष लक्षण है एक एनुलर मेटा का, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम होता है वो आपका भोजन पकड़ने में, साथ ही साथ गमन करने यानी कि चलने में और श्वसन करने में सहायक होता है, किसमें श्वसन में सहायक होता है, किसमें सहायक होता है श्वसन में, इसमें श्वसन के लिए भी कोई अंग नहीं पाए जाते, तो ये भी इसलिए कि इसमें जल संवाहक तंत्र के द्वारा क्या क्या होता है, भोजन पकड़ने में, गमन करने में और श्वसन करने में सहायक होता है, और जल संवाहक तंत्र से एक संरचना जुड़ी होती है जिसे कहते हैं नारपात, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूब फीड, क्या कहा जाता है ट्यूब फीड। तो जल संवाहक तंत्र का कार्य क्या होता है, भोजन पकड़ने में, गमन करने में और श्वसन करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं कि इस जल संवाहक तंत्र में आपको बीच में फिगर में दिखाई दे रहा हुआ ऐसा गोला सा दिखाई दे रहा हुआ, इस प्रकार से आपको पांच अरिसमिति पाई जाती है, इसमें आपको पता है पहले से उसमें लिखा भी है, तो इसके बीचों बीच में आपको इस प्रकार से ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, बन नहीं रहा है, तो देखो कुछ यहाँ पर संरचना हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा ही बना हुआ है, तो इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है, इसके बीचों बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है उसका नाम है मैट्रिपोराइट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ इसे साफ कर रहे हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करनी होगी। देखो यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जल संवाहक तंत्र के अंदर, वो आपसे पूछी जा सकती है, जो जल प्रवेश करने में सहायक होती है, इसमें सहायक होती है जल प्रवेश करने में सहायक होती है, एक संरचना इनमें पाई जाती है जल संवाहक तंत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है मैट्रिपोराइट। क्या पाई जाती है, मैट्रिपोराइट नाम की एक संरचना पाई जाती है जिसका काम होता है जल प्रवेश करने में सहायक होती है, तो बीचों बीच में पाई जाती है, इस प्रकार से संरचना बनी हुई है इस प्रकार से, तो इसमें बीचों बीच में जो संरचना पाई जाती है, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है मैट्रिपोराइट। क्या कहा जाता है, मैट्रिपोराइट कहा जाता है, जो छिद्रयुक्त पट्टिका होती है जिससे जल शरीर के अंदर प्रवेश होता है, जिससे क्या होता है जल होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश होता है, तो ये संरचना कहाँ पाई जाती है, जल संवाहक तंत्र में पाई जाती है, कौन सी संरचना जिसका नाम है मैट्रिपोराइट, क्या होता है मैट्रिपोराइट होता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जल संवाहक तंत्र का कार्य क्या होता है, उसके अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, तो मैट्रिपोराइट नाम की संरचना पाई जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे हम आपको क्या बताएंगे, तो आगे जनन के बारे में चर्चा करेंगे, जनन किस प्रकार से होता है, वर्गीकरण कैसे कर दिया गया, किस जंतु को किस वर्ग में रखा गया है, इम्पोर्टेंट है, तो लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना, आगे बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको और मिलेंगे। बात करते हैं जनन की, किसकी बात करते हैं, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का किस प्रकार से होता है, तो देखो सबसे पहली बात है जनन जो होता है इनमें कैसा होता है, तो ये एक लिंगी होते हैं सभी, कैसे होते हैं, जितने भी जीव इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी आपके एक लिंगी होते हैं, इनके डायोसिस होते हैं, जबकि कुछ में आपके पीछे आपने देखा होगा कुछ उभयलिंगी सराई थे, कुछ एक लिंगी, तो पीछे में कुछ आपने उभयलिंगा सराई भी देखे थे, हार्मोफ्रोडाइट, लेकिन ये कैसा आपका एक लिंगी होता है, कैसा होता है, इसके अंदर जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते, मतलब कि नर और मादा अलग अलग होते, नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल कैसे होते, अलग अलग होते, यही का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हो, और हार्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है,
जिसमें नर और मादा एक ही में होते हैं, उसे कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट या उभयलिंगाश्राय या द्विलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी को ही हम उभयलिंगाश्राय कहते हैं। आपको कंफ्यूज में ना है कि उभयलिंगाश्राय क्या होता है और द्विलिंगी क्या, ये दोनों एक ही चीज होती है। और एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसे एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, डायोसिस कहा जाता है। तो देखो एक लिंगी का मतलब है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते, तो ये सभी कैसे होते, एक लिंगी होते। बात करते हैं निषेचन कैसा होता है इनमें, निषेचन कैसा होता है, तो निषेचन जो इनमें होता है वो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाह्य निषेचन किस किस में पाया जाता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपका किस किस में पाया जाता है। तो जितने भी समुद्रवासी है, जितने भी फाइलम समुद्रवासी है, सभी में आपका बाह्य निषेचन ही होता है। शेष सभी बचे हुए जो रहते हैं, जितने भी फाइलम बचे हुए उन सभी में आंतरिक निषेचन, जितने भी समुद्रवासी। अब समुद्रवासी हम पीछे ही आपको बता चुके, जैसे कि आपका क्या है टीनोफोरा, जैसे कि आपका क्या है टीनोफोरा, दूसरा आपका क्या है इकाइनोडर्मेटा, ये समुद्रवासी है इकाइनोडर्मेटा, और तीसरा आपका क्या है हेमिकॉर्डेटा, 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 इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, ये आपके तीनों में ही बाह्य निषेचन पाया जाता है। कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक यानी बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बचे हुए इन तीन को छोड़कर बचे हुए जो भी फाइलम है, बचे हुए जो भी फाइलम है उन सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जरूर उसे सॉल्व करके आओगे। ठीक है, 100 में 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि आपने ये तीन याद कर लिए अच्छी तरीके से। बाह्य निषेचन जो होता है वो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। शेष बचे हुए जितने भी है उन सभी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें परिवर्तन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें क्या लारावस्था होती है या नहीं होती है। तो परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अब अप्रत्यक्ष है तो इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं, जो पहले से वीडियो देखते हमारे आ रहे हैं उनको पता है कि अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें लारावस्था भी पाई जाती हो, जिसमें लारावस्था भी होती है उसके कारण उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनमें लारावस्था जो होती है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं इनमें इनमें वर्गीकरण का किस प्रकार से किया गया, तो ये चीज आपको याद करने में, जनन कैसा होता है, जनन में बात किया तो लैंगिक जनन, जनन में बात किया तो कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन होगा, क्योंकि कैसे है ये एकलिंगी भी है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अब आप करते हैं इनमें वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो आपको कुछ फिगर भी स्क्रीन पर दिखेंगे अभी, जैसे कि स्टार फिश, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार कि स्टार फिश है जो जिसे सितारा मछली कहा जाता है वो आपके सही इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है, मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, जो स्टार फिश है ये आपकी वास्तविक मछली नहीं है, पूर्ण मछली यानी कि असत्य मछली है, लेकिन नाम पीछे क्या लिखा मछली, नाम क्या है इसके पीछे मछली लिखा हुआ है, लेकिन ये मछली नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आप बात करते हैं वर्गीकरण की, इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण, देखो वैसे तो इकाइनोडर्मेटा को जल समय तंत्र और उनकी शरीर संरचना के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया, लेकिन हम आपको 5 नहीं बताएंगे, ओनली 3 बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा को 3 वर्गों में हमने यहाँ पर बांटा हुआ है, वो कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। सबसे पहले आपका आता है क्राइनोजोआ, क्या आता है क्राइनोजोआ, सबसे पहले जो आपका आता है वो क्या आता है क्राइनोजोआ, क्राइनोजोआ। कुछ आपको फिगर जैसे स्टार किसका दिख जाएगा, एक समुद्री अर्चन है इसका फिगर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्राइनोजोआ। दूसरे नंबर पे आपका आता है जिसका नाम है आपका इकाइनोजोआ, इकाइनोजोआ, इकाइनो, और आपको इसके उदाहरण सभी अच्छे से याद करने हैं, इकाइनोजोआ क्या आता है इकाइनोजोआ। तीसरे नंबर पे आपका आता है एस्ट्रियोजोआ, एस्ट्रियोजोआ, तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आपका क्या आता है एस्ट्रियोजोआ।
तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो क्या आता है, एस्टीरो जुआ। तीन वर्गों में हमने इनको बांटा हुआ है, इकाइनोजुआ और एस्टीरोजुआ। आप सबसे पीछे से ही बात कर लेते हैं, एस्टीरोजुआ के अंतर्गत जो आपका आता है वो आपका क्या आता है, सितारा मछली, जिसे स्टार फिश कहा जाता है, सितारा मछली। और ये वास्तविक मछली नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, स्टार फिश। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार फिश किस वर्ग के अंतर्गत रखा है स्टार फिश को, तो एस्टीरोजुआ के अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसे दूसरे नाम से और जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है वो आपका है एस्टीरियास। एस्टीरियास के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टार फिश को एस्टीरियास कैसे कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, और सामान्य भाषा में इसे सितारा मछली कहा जाता है, यानी कि स्टार फिश इंग्लिश में कहा जाता है। बात करते इकाइनोजुआ के अंतर्गत क्या आता है, तो इकाइनोजुआ के अंतर्गत आपका समुद्री थीरा आता है। क्या आता है, समुद्री थीरा जिसे सी कुकुम्बर कहा जाता है। सी कुकुम्बर जो आपका समुद्री थीरा होता है वो आपका इकाइनोजुआ के अंतर्गत उसे रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया, इकाइनोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। और बात करते हैं क्राइनोजुआ, तो इसके अंतर्गत आपका आता है एंटीडोन। एंटीडोन जो है, एंटीडोन नाम का एक जीव होता है जो आपका क्राइनोजुआ के अंतर्गत इसे रखा गया है। कुछ और उदाहरण है, जैसे कि आपका समुद्री अर्चन। एक आपका उदाहरण और है ओफियूरा जिसे भंगुर तारा कहा जाता है। ओफियूरा जिसे क्या कहा जाता है, भंगुर तारा कहा जाता है। ये कुछ जीव और है जिन्हें अलग क्लास में रखा गया है, जिन्हें को अलग क्लास में रखा गया है। तो इकाइनोडर्मेटा को हमने यहाँ पर तीन वर्गों में बांटा हुआ है। कितने वर्गों में, तीन वर्गों में बांटा हुआ है, क्राइनोजुआ, इकाइनोजुआ और एस्टीरोजुआ। एस्टीरोजुआ के अंतर्गत आपकी सितारा मछली आती है, जिसे एस्टीरियास कहते हैं। इकाइनोजुआ के अंतर्गत आपका समुद्री खीरा, जिसे सी कुकुम्बर कहा जाता है। और क्राइनोजुआ के अंतर्गत आपका एंटीडोन आता है। किसके अंतर्गत, एंटीडोन जो है वो आपका क्राइनो। बचे हुए आपका जैसे समुद्री अर्चन, ओफियोरा जिसे भंगुर तारा कहा जाता है, ये सभी आपके इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। जो ये सितारा मछली होती है, इसमें पुनर्भवन की क्षमता भी पाई जाती है, इसमें रीजर्वेशन की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे कि प्लेन एरिया में आपने सुना था, जो प्लेटी एडमिंटीज में आता है उसमें पुनर्भवन की जो क्षमता होती है वो असीम क्षमता होती है, सबसे अधिक क्षमता होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो सितारा मछली होती है इसमें भी पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजर्वेशन यानी कि पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ये फिनिश हुआ। इससे बनने वाले जितने भी पॉइंट थे हमने आपको सभी बताए हुए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसके जो एमसीक्यू है, इसे इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यू बनेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ बाई चांस कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो वो आपको शाम की क्लास में मिलेगा। शाम की जो एमसीक्यू क्लास आती है हमारी लाइव क्लास 5 बजे, उसमें आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको शाम की क्लास में कराएंगे। तो आज के टॉपिक को जब तक शाम की क्लास आए तब तक आप इस टॉपिक को तैयार कर लेना, जिससे शाम की क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन गलत न जाए। कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर बताना। क्वेश्चन आपका सबसे पहले यही है कि इसमें समिति कैसी पाई जाती है, और जो अरी समिति है, सॉरी चलो हमने ये आपको बता दिया, अरी समिति किस किस में पाई जाती है आपको इतना बताना। अरी समिति किस किस में पाई जाती है, वाह्य निषेचन जो होता है वो किस किस संघ में पाया जाता है, वाह्य निषेचन है वो किस किस संघ में पाया जाता है। और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कि इसमें सरीर संगठन कैसा होता है, इनका आवास क्या होता है, ये रहते कहां पर है, और कौन से ऐसे फाइलम है जो वहीं पर रहते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बताने होंगे। और इनके सभी उदाहरण आप लोग जरूर लिखिएगा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा इससे और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप बता सकते हो। और तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि शाम को आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा इसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।